तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आखिरकार जो ये बड़ी बड़ी म्यूज़िक कंपनियां होती हैं, जैसे कि टी सीरीज, जी म्यूज़िक या फिर सोनी म्यूज़िक, ये कंपनियां आखिरकार अपने गानों से पैसे कैसे कमा पाती हैं। क्योंकि दोस्तों, आप लोगों ने देखा होगा कि इनके जो गाने आते हैं उनकी शूटिंग भी काफ़ी ज़्यादा हाई बजट में की जाती हैं। कई बार तो इनके गानों की शूटिंग विदेशों में भी की जाती हैं। तो इन सभी को देखकर आपके दिमाग में एक सवाल जरूर आया होगा कि अगर ये इतना ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं तो फिर ये पैसे वापस कमाते कैसे हैं, क्योंकि इनके गाने तो हम फ्री में देखते हैं, तो इनके पैसे कमाने के कौन कौन से तरीके हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो को पूरी देखना, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि इस वीडियो में आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों, मेरा नाम है जय और चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि ये जो बड़ी बड़ी म्यूजिक कंपनियां होती हैं, इनके पैसे कमाने के कौन कौन से तरीके हैं। दोस्तों, इनका जो बिजनेस मॉडल होता है वो तीन तरीकों से बना होता है, और ये तीन तरीके होते हैं जिनसे ये म्यूजिक कंपनियां पैसा कमा पाती हैं। और दोस्तों, वो तीन तरीके हैं जिनमें पहला ऑनलाइन डिस्ट्रीब्यूशन, स्ट्रीमिंग एंड यूट्यूब, दूसरा रेडियो, टीवी और रॉयल्टीज, और तीसरा आता है कॉन्सर्ट एंड पब्लिक परफॉर्मेंस। तो चलिए, इनमें से हम बात करते हैं पहले मॉडल के बारे में। तो पहला मॉडल है ऑनलाइन डिस्ट्रीब्यूशन, स्ट्रीमिंग एंड यूट्यूब के बारे में। तो दोस्तों, आपको बता दूं कि इस मॉडल नंबर एक को भी दो कैटेगरी में बांटा जा सकता है। पहला हो सकता है स्ट्रीमिंग एप्स और दूसरा होता है ऑनलाइन डिस्ट्रीब्यूशन। अगर हम बात करें स्ट्रीमिंग एप्स के बारे में, तो आप लोगों ने भी गाना, जियो सावन और भी ऐसे ऑनलाइन स्ट्रीमिंग एप्स के नाम सुने होंगे, या फिर आपने भी यूज़ किया होगा इनको गाने सुनने के लिए। तो दोस्तों, ये ऐसे एप्लीकेशंस हैं जो कि हमको गाना प्रोवाइड करते हैं ऑनलाइन, और इनको हम मंथली चार्ज देके सुनते हैं। और दोस्तों, मॉडल नंबर एक का दूसरा टाइप है ऑनलाइन डिस्ट्रीब्यूशन। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि पहले जब इंटरनेट इतना ज़्यादा यूज़ नहीं किया जाता था, तो लोग DVD या फिर CD को खरीद कर इन गानों को सुनते थे। लेकिन जियो के आने के बाद इसका पूरा तरीका ही चेंज हो गया और इसको फिजिकल से ट्रांसफ़र कर दिया गया ऑनलाइन डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ। तो दोस्तों, ऑनलाइन डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो कई सारे आपने ऐसे एप्लीकेशंस देखे होंगे जिनके ऊपर पैसे देकर हमको गाने सुनने को मिलते हैं, जैसे कि iTunes एंड Amazon Music। इन एप्लीकेशंस या फिर वेबसाइट को यूज़ करने के लिए हमको पैसे देने पड़ते हैं। लेकिन यहाँ पर आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि अगर हमको ऑनलाइन गाने फ्री मिल रहे हैं तो फिर हम उन गानों के पैसे क्यों देंगे। तो दोस्तों, इसके भी दो रीज़न हैं। पहला तो इन एप्लीकेशंस के ऊपर हमको जो म्यूज़िक मिलता है उसकी क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा बेटर होती है, और दूसरा कि लोग अपने फेवरेट आर्टिस्ट या फिर सिंगर को सपोर्ट करने के लिए उनके गानों को खरीदते हैं, ताकि वो सोचते हैं कि आगे भी ऐसे गाने उनके लिए आते रहें। तो दोस्तों, ये तो हमने बात की मॉडल नंबर वन के बारे में, और अब हम बात करने वाले हैं मॉडल नंबर टू के बारे में, जिसमें आता है रेडियो, TV और रॉयल्टीज। तो दोस्तों, हम जो रेडियो के ऊपर गाने सुनते हैं उनको सुनाने के लिए भी रेडियो कंपनी वालों को, इन म्यूजिक कंपनी वालों को पैसे देने पड़ते हैं और उन गानों की राइट्स खरीदने पड़ते हैं। इसके बाद ही रेडियो कंपनीज वाले इन गानों को रेडियो के ऊपर सुना सकते हैं। और इसके बाद दूसरा पॉइंट आता है TV। तो दोस्तों, आप लोगों ने देखा होगा कि TV के ऊपर भी बहुत सारे ऐसे म्यूजिक चैनल बने होते हैं जिनके ऊपर हमको म्यूजिक वीडियो देखने को मिलते हैं। लेकिन इन TV चैनल्स को भी TV के ऊपर इन गानों को चलाने से पहले इन म्यूजिक कंपनीज को पैसे देने पड़ते हैं और इन गानों के राइट्स खरीदने पड़ते हैं। इसके बाद ही ये लोग TV के ऊपर इन गानों को चला पाते हैं। और दोस्तों, इसके बाद आता है मॉडल नंबर तीन, जिसके अंदर आते हैं कॉन्सर्ट एंड पब्लिक परफॉर्मेंस। तो आप लोगों ने कई बार देखा होगा कि बड़े बड़े लाइव कॉन्सर्ट किए जाते हैं जिनके अंदर भी इन गानों को चलाया जाता है। लेकिन दोस्तों, इन कॉन्सर्ट के अंदर गानों को यूज़ करने से पहले उन गानों के राइट्स लेने पड़ते हैं म्यूजिक कंपनी से। इसके अलावा दोस्तों, आप लोगों ने कई बार देखा होगा कि इन सिंगर्स के लाइव कॉन्सर्ट होते हैं और वहाँ पर लाखों की तादाद में लोग इकट्ठा होते हैं, जिसके लिए उन सभी को लाइव कॉन्सर्ट में शामिल होने के लिए टिकट्स खरीदना पड़ता है, और ये भी एक तरीका होता है इनका पैसे कमाने का। दोस्तों, इसके अलावा भी मर्चेंडाइज और भी कई छोटे छोटे तरीके होते हैं जिनकी मदद से ये आर्टिस्ट पैसे कमाते हैं। तो मुझे लगता है कि अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि आखिरकार ये म्यूजिक कंपनियां पैसे कैसे कमाती हैं। तो दोस्तों, अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है तो डेफिनेटली आपको ये वीडियो पसंद आई, और अगर आपको यह वीडियो पसंद आ ही गई है तो आपको नीचे लाइक का बटन दे रखा है
उसको जल्दी से दबाकर नीला कर दो। और अगर आप इस चैनल के ऊपर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर दबा देना। तो अब मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।